हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला आजमगढ़ के उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, जिन्होंने जिले का नाम रोशन किया। नंबर एक, गौहर जान। गौहर जान एक भारतीय गायिका और नर्तकी थीं। गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 में आजमगढ़ जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम एंजेलिना योवार्ड था। गौहर जान दक्षिण एशिया की पहली गायिका थीं, जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे। रिकॉर्डिंग 1962 में हुई थी और उनके गानों की बदौलत ही भारत में ग्रामोफोन को लोकप्रियता हासिल हुई। गौहर जान ने 1902 से 1920 के बीच बंगाली, हिंदुस्तानी, गुजराती, तमिल, मराठी, अरबी, फारसी, पश्तो, फ्रेंच और अंग्रेजी समेत 10 से भी ज़्यादा भाषाओं में 600 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। गौहर जान ने अपनी ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन और तराना के जरिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दूर दूर तक पहुंचाया। 17 जनवरी 1930 को गौहर जान का निधन हो गया। नंबर दो, राम नरेश यादव। राम नरेश यादव एक चर्चित भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राम नरेश यादव जनता पार्टी से थे और बाद में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने 26 अगस्त 2011 से 7 सितंबर 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उनका जन्म 1 जुलाई 1928 को आजमगढ़ जिले के आंधीपुर गाँव में हुआ था। नंबर तीन, कैफी आजमी। कैफी आजमी एक भारतीय उर्दू कवि थे। इनका असली नाम सैयद अख्तर हुसैन रिजवी था। वे अपनी गजलों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। उन्हें अक्सर भारतीय मोशन पिक्चर में उर्दू लाने वाले के रूप में याद किया जाता है। 14 जनवरी 1919 को इनका जन्म आजमगढ़ के मिजवा गांव में हुआ था। आपको बता दें कि उनकी पत्नी शौकत कैफी एक भारतीय थिएटर और अभिनेत्री थीं और इनकी बेटी शबाना आजमी फिल्म, टेलीविजन और थिएटर की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। शबाना आजमी भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। साथ ही उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और उनके बेटे बाबा आजमी एक भारतीय फिल्म सिनेमेटोग्राफर हैं। नंबर चार, शिबली नोमानी। शिबली नोमानी एक इस्लामी विद्वान, शिक्षाविद और कवि थे। वे व्यापक रूप से अपने काम सेरेट अन नबी के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 3 जून 1857 को आजमगढ़ के बिंदवाल में हुआ था। उन्होंने 1883 में शिबली नेशनल कॉलेज की स्थापना की। शिबली नोमानी अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू के विद्वान थे। नंबर पाँच, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरियोध हिंदी साहित्य के लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे और उन्हें विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। नंबर छः, विनोद सिंह। विनोद सिंह IIT कानपुर में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1959 को आजमगढ़ के अनंतपुर में हुआ था। 10 से अधिक वर्षों के लिए प्रोफेसर सिंह ने IISER भोपाल के संस्थापक निदेशक के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा वे 2009 से 2014 के दौरान प्रधानमंत्री वैज्ञानिक परिषद के सदस्य रहे हैं। वे वर्तमान में केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। उन्हें स्वर्ण जयंती फेलोशिप, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अलावा 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नंबर सात, डॉक्टर प्रेमचंद्र पांडे। डॉक्टर प्रेमचंद पांडे भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं। वे राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और निदेशक हैं और वर्तमान में वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। उनका जन्म 10 अगस्त 1945 को रामापुर गांव में हुआ था। नंबर आठ, सत्यदेव प्रसाद। सत्यदेव प्रसाद एक ओलंपियन तीरंदाज हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदकों का ढेर लगा चुके हैं। वे आजमगढ़ जिले के निजामाबाद के निवासी हैं। उन्हें 2018 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंबर नौ, समर सिंह। समर सिंह भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक और एक डांसर हैं। वे आजमगढ़ जिले के मेहनगर के रहने वाले हैं। वे भोजपुरी फिल्मों, भोजपुरी एल्बम के लिए गाना गाते हैं। 2002 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले समर सिंह को भोजपुरी जगत में उनके गाने रतिया कहाँ बितौला ना, गन्ना के रस जैसे इत्यादि गानों से जाना जाता है। नंबर 10, राहुल सांकृत्यायन।
महापंडित राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने यात्रा वृत्तांत को साहित्य का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा आजमगढ़ में हुआ था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया और उन्होंने अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। नंबर 11, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे वीर रस के अद्भुत कवियों में से एक थे। वे काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य थे। उन्होंने 4 महाकाव्य रचे, हल्दी घाटी और जौहर विशेष रूप से चर्चित हुए। हल्दी घाटी पर श्याम नारायण जी को देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनका जन्म आजमगढ़ जिले के डुमराव में हुआ था। नंबर 12, विक्रांत सिंह राजपूत। विक्रांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता हैं जो कि भोजपुरी की फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मेहरारू बिना रतिया कैसे कटी से की थी। उनका जन्म 29 सितंबर 1986 को आजमगढ़ जिले में हुआ था। विक्रांत ने प्रेम लीला, बॉर्डर, विद्या जैसे फिल्मों में भी एक्टिंग की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 13, कन्हैया लाल मिश्रा। कन्हैया लाल मिश्रा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले एडवोकेट जनरल थे। इसके अलावा वे इंदिरा गांधी के सलाहकार भी थे। उनका जन्म आजमगढ़ के मरियादपुर में हुआ था। नंबर 14, इकबाल अब्दुल्ला। इकबाल अब्दुल्ला एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज और निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। वे रणजी ट्रॉफी में मुंबई और केरल के अलावा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं। इनका जन्म 2 दिसंबर 1989 को आजमगढ़ शहर के गुलामी का पूरा में हुआ था। नंबर 15, सरफराज खान। सरफराज खान एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए और आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम के लिए खेलते हैं। सरफराज ने 2014 और 2016 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और एक पार्ट टाइम स्पिनर हैं। सरफराज खान आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के बासुपुर गांव के निवासी हैं। प्रवीण दुबे। प्रवीण दुबे एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलते हैं। वे एक लेग स्पिनर हैं। आईपीएल 2016 और 17 में वे आरसीबी टीम में थे और वर्तमान में प्रवीण आईपीएल में दिल्ली कैपिटल टीम में हैं। प्रवीण आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के नेतापट्टी गांव के हैं। नंबर 17, प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं जो कि पुलिस महानिदेशक के उच्चतम पद पर पहुंचे। उन्होंने बीएसएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस और असम पुलिस के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत में पुलिस सुधार के लिए प्रमुख वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में माना जाता है। उनका जन्म 10 जनवरी 1936 को आजमगढ़ के मेहनाजपुर में हुआ था। नंबर 18, अमर सिंह। अमर सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सदस्य थे। वे अपनी हिंदी ज्ञान और राजनीतिक संबंधों के लिए जाने जाते थे। वो समाजवादी पार्टी के महासचिव व राज्यसभा सांसद रह चुके थे। उनका जन्म 27 जनवरी 1956 को आजमगढ़ जिले के तरवा गांव में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि अमर सिंह ने कई हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया था। नंबर 19, रमाकांत यादव। रमाकांत यादव एक राजनीतिज्ञ हैं जिनकी गिनती पूर्वी यूपी के प्रभावशाली दिग्गज नेताओं में होती है। 1985 में निर्दलीय से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले रमाकांत प्रदेश की चारों प्रमुख पार्टियों में रहे हैं। लगभग 35 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में रमाकांत 4 बार विधायक और 4 बार ही सांसद रहे हैं। आपको बता दें कि इनके बेटे अरुण कांत वर्तमान में भाजपा पार्टी से विधायक हैं। नंबर 20, विनोद कुमार बरनवाल। विनोद कुमार इलाहाबाद के न्यायाधीश हैं। वर्तमान में वे रायबरेली के विशेष जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। नंबर 21, अशोक भगत। अशोक भगत एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विकास भारती के सचिव हैं जिन्हें बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। वे आजमगढ़ जिले के किशुनदासपुर के निवासी हैं। वे झारखंड राज्य के स्वच्छ भारत अभियान के एक नामित नेता हैं। भारत सरकार ने 2015 में समाज सेवा के क्षेत्र में
उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नंबर 22, डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता। डॉक्टर परमेश्वरी लाल एक भारतीय अंकशास्त्री थे जिन्होंने आज़ादी के बाद के समय में भारतीय न्यूमेजमेटिक्स पर शोध किया था। 24 दिसंबर 1914 को यूपी के आजमगढ़ में जन्मे पीएल गुप्ता ने भारतीय न्यूमिजमेटिक पर कई मोनोग्राफ, किताबें और लेख लिखे। नंबर 22, सत्य प्रकाश सिंह भोजपुरी फिल्म अभिनेता हैं। वे मूलतः फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लगभग 40 हिंदी भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। वे आजमगढ़ के बैरीडाढ़ गाँव के निवासी हैं। नंबर 24, गजेंद्र सिंह एक इंडियन टेलीविजन प्रोड्यूसर। उनके सबसे लोकप्रिय शो में क्लोजअप, अंताक्षरी, सारेगामा और सुरक्षेत्र शामिल हैं। उन्हें भारतीय टेलीविजन पर अग्रणी गेम शो और संगीत प्रतिभा दिखाने के लिए जाना जाता है। नंबर 25, हामिदुद्दीन फराही एक भारतीय इस्लामिक विद्वान थे जिन्हें कुरान में नज्म और सुसंगत की अवधारणा पर उनके काम के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।